ये सब कुछ सारा की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे का हाल उसी की वजह से हुआ है फवाद। आपको पता है वो पता नहीं क्या क्या पढ़ के भूखती रहती थी मेरे बच्चे पे, कोई जादू टोना करती थी। मेरी दुश्मन है वो, मैं उसको कभी। तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो कि नहीं? सर साथ कैसे? उसको एपिलेप्टिक सीजर्स हुआ है और इसकी रीजन वही सीवियर हेड इंजरी है जो कुछ अर्से पहले हुई थी। अब बच्चा भी बेहोश है लेकिन अभी ऐसा ही होता रहेगा सारी जिंदगी, इसको सीजर्स आते रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? एपिलेप्सी का कोई इलाज तो है नहीं, वक्ती तौर पर इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको और आपके बच्चे को सारी जिंदगी फेस करनी पड़ेगी। आप दोनों को इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, बच्चे का बेहोश होकर गिर जाना, सांस का रुकना, जिस्म का करना, मुंह से झाग निकलना या ऐसे और भी कई किस्म के सिम्टम्स हैं। सब पूरी दुनिया में कहीं तो उसका इलाज होगा, किसी मुल्क में भी मैं अपने बच्चे को लेके जा सकता हूँ। इस बीमारी का कोई भी इलाज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और मेडिसिन्स हैं लेकिन इससे सीजर्स कम किए जा सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। आंखों से